हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी अभिलाषा दीदी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी, विशाल पर्वत और छोटी गिलहरी। कहानियाँ करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन कहानियों को? कहानियाँ करती हैं बातें। तो बच्चों, एक दिन की बात है, एक गिलहरी एक पर्वत के पास खुशी से चहकते हुए मस्त होकर खेल रही थी। पर्वत की नजर उस गिलहरी पर पड़ी तो उसने मन में सोचा, इस गिलहरी का छोटा सा शरीर किसी भी काम का नहीं है, फिर भी ये इतनी खुश कैसे रह सकती है। पर्वत ने गिलहरी को बुलाया और बोला, गिलहरी कितनी छोटी हो तुम, किसी भी काम की नहीं हो, तुम्हें अपने छोटेपन पर हीन भावना महसूस नहीं होती? मेरे सामने तो तुम्हारा कोई भी अस्तित्व नहीं है। पर्वत घमंड पूर्वक बोला, अरे बड़े आकार के बहुत लाभ होते हैं, मैं आसमान में उड़ते बादलों को रोक सकता हूँ, उनसे वर्षा करवा सकता हूँ और तुम तो बस उन्हें दूर से ही देख सकती हो, बताओ तुम भला करवा सकती हो बरसात? गिलहरी बोली, नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर सकती, पर आप ही कर सकते हैं। लेकिन कितने ही ऐसे काम हैं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन उन कामों को मैं कर सकती हूँ। पर्वत को गिलहरी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने घमंड में बोला, अच्छा जरा बताओ भला, वो कौन से काम कर सकती हो, ऐसे कौन से काम है? तो गिलहरी बोली, महाशय पर्वत, आप बुरा मत मानिए, क्या आप मेरी तरह अखरोट तोड़ सकते हैं? क्या आप मेरी तरह खेल कूद कर सकते हैं? मैं अभी यहाँ से वहाँ जा सकती हूँ और अभी फुदक के यहाँ से वहाँ आ सकती हूँ। दिन रात एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकती रहती हूँ, सारा दिन मैं बहुत मौज मस्ती करती हूँ, जहाँ मन करता है वहाँ चली जाती हूँ, जो मन करता है मैं वही खाती हूँ, लेकिन आप तो बस अपनी जगह पर ही डटे रहते हो, जरा सा भी हिल नहीं सकते, है ना? माफ कीजिएगा पर्वत, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आपका विशाल रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रही थी। हमेशा याद रखिए कि प्रकृति ने सभी को कोई ना कोई विशेष गुण जरूर दिया होता है, इसीलिए तो हमें उन पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये बात सुनकर पर्वत का सिर शर्म से झुक गया। आज तक उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, लेकिन आज एक छोटी सी गिलहरी ने उसे अपनी बुद्धि से हरा कर उसे अच्छा सबक सिखाया था, इसीलिए पर्वत ने फिर गिलहरी से घमंड भरी बातें नहीं की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, हर व्यक्ति का अपना हुनर उसका सबसे बड़ा हुनर होता है, कोई किसी से छोटा नहीं होता और कोई किसी से बड़ा नहीं होता, हर इंसान का हुनर ही उसके लिए सबके हुनर से सबसे बड़ा होता है। तो कहिए बच्चों, आप भी कभी अपने हुनर पे, अपने टैलेंट पे घमंड तो नहीं करेंगे ना? कैसी लगी ये कहानी हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आपको हमारी ये कहानी सुनने को मिले ज़रूर सुनिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कौन कौन सी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनना चाहते हैं अपनी दीदी से, हमें ये भी कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। अगले हफ्ते एक और शिक्षाप्रद कहानी के साथ हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए अभिलाषा दीदी की नमस्ते। बच्चों, मैं आपके लिए हर सप्ताह लाती हूँ मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी। इन कहानियों को अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके शेयर कर दें, और अगर इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारी कहानियों का वीडियो सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ।